ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ में 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर। राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति रामशंकर कुरील को भर्ती घोटाले के आरोप में बर्खास्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जशपुर जिले के समाज सेवक जागेश्वर यादव को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। और प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ में 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवानों के घायल होने की भी खबर मिली है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगल में माओवादी नेताओं के मौजूद होने की सूचना मिलने पर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना की गई थी। इस दौरान आज सुबह माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई। मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दुर्ग जिले के पाटन स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रामशंकर कुरील को बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में आज राजभवन से आदेश जारी कर दिया गया है। डॉ रामशंकर कुरील पर भर्ती में घोटाले करने का आरोप था। इस संबंध में बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने आज कुलपति को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। राज्यपाल ने रायपुर संभाग आयुक्त डॉ संजय अलंग को इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉ अलंग ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के समाजसेवक जागेश्वर यादव भी शामिल थे। बिरहोर जनजाति के जागेश्वर यादव को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। बिरहोर आदिवासियों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। जागेश्वर यादव बगीचा विकासखंड के भितघरा गांव के रहने वाले हैं और वे वर्ष 1989 से बिरहोर जनजाति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जशपुर जिले में एक आश्रम की भी स्थापना की है। जागेश्वर यादव को पद्मश्री से नवाजे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। महादेव सट्टा ऐप मामले में दुर्ग के सराफा व्यापारी प्रकाश सांखला को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। ईओडब्ल्यू ने कल दुर्ग में उनके घर और भिलाई स्थित दुकान में दबिश दी थी। कल रात उन्हें हिरासत में रायपुर लाया गया था। उन पर महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पैसे कारोबार में निवेश करने का आरोप है। इस बीच इस मामले में गिरफ्तार पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को ईओडब्ल्यू ने आज पीएमएलए विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने कल दुर्ग के 18, रायपुर के 7, बलौदाबाजार के 2, रायगढ़ और कांकेर की एक एक जगह पर कार्रवाई की थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक छापे में महादेव सट्टा ऐप से संबंधित दस्तावेज, हवाला संबंधी पर्चियां और बैंक संबंधित कागजात समेत बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में आरोप में गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी की ईडी रिमांड अवधि भी 14 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। उन पर लगाए गए राजद्रोह के मामले की प्रोसीडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं इससे पहले 1 मई को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। पुलिस की एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट पर याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में आज से पवित्र चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ खोले गए, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा की शुरूआत हुई। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों से सीधे वीडियो कॉल कर उनसे बात की और उन्हें सफलता के लिए बधाई दी। बच्चों के लिए अपने मुख्यमंत्री से इस तरह अचानक रूबरू होना बेहद आनंददायक अनुभव रहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी पूछा और उन्हें लगातार परिश्रम करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उनके अभिभावकों और गुरूजनों को भी बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बच्चों ने जहां गुड्डे गुड़िया का विवाह रचाया तो वहीं लोगों ने मंदिर देवालयों में दान दक्षिणा कर विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं सराफा बाजारों में भी काफी रौनक रही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज अक्षय तृतीया पर अक्ति तिहार समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय परिसर में माटी पूजन और बीज संस्कार कर खेत में धान के बीजों की बुआई की। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की आंतरिक बस सेवा का शुभारंभ भी किया। इस बीच इस वर्ष अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर यूनिसेफ के सहयोग से जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए 25 अप्रैल से 10 मई तक बाल विवाह रोकथाम पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके तहत यूनिसेफ के युवोदय वॉलेंटियर्स द्वारा पहले पढ़ाई फिर विदाई नारों के साथ जिले की सभी पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में बैनर पोस्टर, रैली, नुक्कड़ नाटक, रंगोली और सुपोषण चौपाल जैसे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के अकलतरी गांव में जिला प्रशासन की मदद से एक नाबालिग कन्या की शादी रुकवाई गई। सूचना मिलने पर महिला और बाल विकास के अधिकारियों ने गांव में दबिश दी और नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदले जाने पर उनकी पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। उन्होंने आज एक बयान जारी कर कहा कि स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ में जन्मे एक विद्वान संत और विश्वविख्यात आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, इसलिए उनके नाम पर कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल शुरू किए थे। श्री बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल से उनके नाम को हटाना चाहती है। शासन की ओर से स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना का नाम बदलकर पीएमसी करने का आदेश जारी किया गया है। श्री बैज ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इन स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधी रोग और उससे बचाव पर चर्म रोग विशेषज्ञ और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज भिलाई में चर्म रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ यशा उपेन्द्र से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 11 मई को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल के बाद वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की मुक्केबाज पूनम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। जबलपुर से दुर्ग के बीच चलाई जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। बालोद जिले के तांदुला जलाशय में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये व्यक्ति दुर्ग में पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ था और शादी के सिलसिले में हीरापुर गांव आया हुआ था। राजनांदगांव जिले के जंगलपुर और रामपुर गांव के बीच कल देर रात मालवाहक वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार लखोली निवासी एक युवक की मौत हो गई। वहीं इसी जिले के खुर्सीपार गांव में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए हैं। और नगर निगम रायपुर की जनसंपर्क शाखा में पदस्थ अजय वर्मा की निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को जिला प्रशासन ने 15 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ में 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर। राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति रामशंकर कुरील को भर्ती घोटाले के आरोप में बर्खास्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जशपुर जिले के समाज सेवक जागेश्वर यादव को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। और प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।